अभी इनको डॉक्टर को दिखाने गए थे, डॉक्टर से बात की, उन्होंने मेडिसिन लिखी और चेकअप किया है और कुछ दवाइयाँ दी हैं। अब देखते हैं कब तक इनको आराम मिलता है। और अभी किचन में आके मैं फटाफट से काम करने लगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कैमरा सेट करके वीडियो बना सकूं। और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से एक सिंपल सी खिचड़ी बना दी। खिचड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि डॉक्टर ने बोला बिल्कुल सादा खाना देना है, ज़्यादा तेल और मसाला नहीं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा। और मेथी तोड़ के रख दी सुबह के लिए और धुल के भी रख दी। टिफ़िन मेरे धुल चुके हैं, वहाँ मेरे टिफ़िन धुले रखे हैं। कल ये शायद ऑफिस नहीं जाएंगे, कल मैं अकेली जाऊँगी। और प्लूटो भी बेचारे, मैं प्लूटो को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा इस टाइम पे टाइम शेड्यूल ऐसा चल रहा है कि अभी मैं ब्लाउज़ उठाने भी चली गई थी। ब्लाउज़ मैं बहुत दिन से सोच रही थी उठाने के लिए, फाइनली मैंने आज ब्लाउज़ उठा लिया, क्योंकि वुमेंस डे आ रहा है। तो हो सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि मैं साड़ी पहनूँ, वरना कोई चांसेस नहीं। और मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो मेरा किस मतलब वीडियो में जाएगा, या इस वाले पुराने वाले वीडियो में जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। तो जिस वीडियो में भी जाए आप लोग एडजस्ट कीजिए और अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तो जितना हो सक रहा है मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एडमिट है, इनको ड्रिप चल रही है और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इस टाइम आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि सर्दी, जुखाम, खांसी, ये वायरल जो फैल रहा है, इस टाइम पर बचने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल से अब घर जा रही हूँ, घर इसलिए जा रही हूँ कि कुछ लेने के लिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ लेके, और यहाँ पर मैं लेटी हुई हूँ। और यहाँ पर ये फ़ोन कर रहे थे क्योंकि इनको भी नींद नहीं आ रही थी। और इतना ज़्यादा इस टाइम पे, मतलब जैसे पहले हुआ था ना कोविड के टाइम पे, सेम टू सेम वही कंडीशन फिर से आ रही है। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे कि न्यूज़ में आए दिन कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पार्सल करवाया था, खिचड़ी मंगवाई थी क्योंकि सुबह हम लोग बना नहीं पाए, तो फाइनली हमारी खिचड़ी आ गई। ये नारियल पानी है और ये क्या है, जंजीरा। तो अभी इनको बोतल चढ़ी अभी आधी हुई है और टाइम लगेगा, शाम तक चढ़ेगी पूरी। और अभी मुझे जाना पड़ेगा, बीच में दीदी को झाड़ू पोछा बर्तन रह गए तो वो करवाना है। तो अभी मैं एक राउंड लगा के आऊँगी, जस्ट पास पे ही है हॉस्पिटल, तो ये चीज़ अच्छी है। जब तक दीदी झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी तब तक मैं नहा धो लूँगी, और इनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। हो जाता है यार, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं घर आ गई, अब मैं जल्दी से जाऊंगी, नहाऊंगी और नहाने के बाद मैं पोहा बनाऊंगी। तब तक दीदी भी आ रही है, और पोहा वोहा बनाने के बाद चाय बनाऊंगी और पैक करके ले जाऊंगी हॉस्पिटल। और आप लोग सोचोगे कि हॉस्पिटल मतलब हम लोग मतलब पास में ही छोटा सा हॉस्पिटल, लाइक छोटा सा क्लिनिक है, दूर जाने से बेटर हमें पास जाने का लगा। और अगर इनको आराम नहीं मिलता है तो फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं कि आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। फ़िलहाल तो अभी फ़ीवर थोड़ा सा कवर और इनका बीपी लो निकला था, और मेरी भी अब कंडीशन थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। मैंने सोचा नहा लूँगी तो शायद बेटर हो जाएगा मुझे, क्या बिना नहाए थोड़ा सा अजीब सा फील होता ही रहता है, नहाने के बाद अच्छा फील होगा तो फिर नहा के। और जब तक दीदी आ रही है देखते हैं, फाइनली मैं नहा धो के और चाय बना के नाश्ता बना के ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैं पोहा और चाय बना के लेके आई हूँ हॉस्पिटल में, और यहाँ पे इनकी चाय वगैरह हो गई और यहाँ पे अब ड्रिप चल रही है। तो अभी शाम के 5 बज गया और मैं आज मैंने ना नहा धो के बिंदी बिंदी लगा ली थी। आज अब बृहस्पतिवार वाले दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। यार यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, गर्मी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो वायरल चल रहा है इस टाइम पे, वायरल अब क्यों बहुत जल्दी, यानी कि इतनी गर्मी हो रही है कि नॉर्मली इंसान ठंडा पानी पी लेता है या फिर आइसक्रीम खा लेता है, जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड, और ये सभी की आदत होती है। इस वजह से क्या होता है कि हमें सर्दी गर्मी हो जाती है बहुत जल्दी और वायरल बहुत जल्दी फैल जाता है। तो सभी लोग अपने जो रूटीन है डेली रूटीन वो बचा के रखें, और हो सके तो धूप में निकलने से पहले मतलब नॉर्मल पानी का ही यूज़ करें, हमारे जैसे ना करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वायरल कितना गंदा होता है।
और वायरल बहुत ही गंदा होता है, सच में बहुत गंदा वाला फीवर आ जाता है। जैसे इनको बहुत गंदा वाला रात पे फीवर था, और सुबह तो इतना भयानक वाला फीवर था, मतलब थर्मामीटर था नहीं उस टाइम पे, हमने चेक नहीं किया, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर भी बोले थे बहुत तेज़ फीवर है। और फिर इनका बीपी वगैरह चेक हुआ और तब पता चला कि हाँ इनका बीपी भी लो था, और फाइनली एक बोतल चढ़ चुकी है, दूसरी बोतल चढ़ रही है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम क्या इसको लगेगा, रात तो हो ही जाएगी, फिर रात को घर जाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं तुलसी मैया लेने आई हूँ। थोड़ी बहुत हमारी तबीयत ठीक थी और हमारी तुलसी मैया बहुत पहले ही सूख चुकी थी, तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि तुलसी मैया ले लेते हैं, और हम लोग फाइनली आए हैं तुलसी मैया। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जब इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक ठीक सी थी। अभी प्रॉपर खांसी तो नहीं ख़त्म हुई है और वीकनेस भी है, लेकिन यहाँ पे हम तुलसी मैया लेके गए। फाइनली वेल वेल पूरी खा के बैठी हूँ मैं अभी, और ये देखिए आप निशान ही अभी तक नहीं गया, निशान मेरा निशान वैसे का वैसा है, और अभी देखते हैं क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमारा थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया, उसके बाद देखते हैं क्या बनाते क्या नहीं। तो यहाँ पे मेरी टीवी चल रही है, लूडो लेटा हुआ है, तो यहाँ पे सीरीज़ चल रही है जोधा अकबर की, हम लोग सीरीज़ देख रहे थे। और यहाँ पे मैं बैठ के, मुझे ज़्यादा तो अच्छी नहीं लग रही थी, ओके ओके टाइप की लग रही थी। अनारकली का रोल चल रहा था, अनारकली और सलीम की स्टोरी देख रही थी, और यहाँ पे प्लूटो की भी मस्ती चल रही थी। फाइनली अब मैं लेट गई आके, और हालत थोड़ी सी वैसी हो ही जाती है जब तबीयत तबीयत ख़राब होती है। वायरल सच में खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है। और बैक टू लक्ष्मी की दुनिया, लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी। डामाडोल ऐसे हो गई थी कि यहाँ पे चल रहा है वायरल, तो वायरल की वजह से मुझे भी थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही थी। तो सुबह मैं ऐसी बेहोश सोई, मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं किस दुनिया में हूँ, और मैं ऑफिस से छुट्टी ले रखी है मैंने इतने दिनों से, और ऑफिस में ये सब नहीं चलता कि आप आए दिन छुट्टी लो, आए दिन छुट्टी लो। आप मेरा किचन भी देख सकते हो, पूरा ऐसे बिखरा रखा है, बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं जमा है दीदी के जाने के बाद। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत हालत ठीक लग रही है तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। वोमेंस डे पे मेरी ऐसी हालत हो गई कि ऊपर से जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो थोड़ा सा बुरा लगता है, हर्ट तो होता है। फिर सोचती हूँ कि यार ठीक है, हर चीज़ में उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, आप मेहनत करते रहो, आज नहीं कल रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो मैं धीरे धीरे काम अपना निपटाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।